पर मोहित हो जाते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं। तो फिर वो ऋषि का रूप धारण करके वहां जाता है, तो चंद्रमा सामने रहते हैं, चंद्रमा मलिन हुए, बृहस्पति की पत्नी का हरण किया तारा का, इसलिए चंद्रमा में शय। लेकिन चंद्रमा सुशोभित है भगवान शंकर के अंश पर, जिनसे काम भी डरता है, जिनकी तीसरे नेत्र खुलने से ही काम का नाश हो जाता है। फिर सुशोभित क्यों किया? सुशोभित होने के पीछे यही एक मकसद है कि संसार की सभी औषधियां, सभी वनस्पतियां, सभी वृक्ष, सभी जीव जंतु, सभी पौधे आदि उसकी शीतल छाया में, अगर चंद्रमा ना हो तो रात दिन सूर्य ही निकले, जलाकर भस्म कर देगा तुम्हें, है कि नहीं, उसकी छाया में सुस्ता लेते हैं और वृद्धि पाते हैं। तो वो वृद्धि का प्रतीक है, यहाँ पे क्षय का नहीं है। बेशक छोटे हैं, छोटे से बड़े होने वाले, किसका प्रतीक है? भगवान शंकर के शीश पे चंद्रमौली भी कहा जाता है उनको, शशांक शेखर भी कहा जाता है, इनके भाल पर शशांक है। जय शनि, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं चलता, तुम तो सारे सोए हो, जड़ो जड़ बुद्धि, बोल दो जय शनिदेव। तुम्हारे ऊपर सबके ऊपर प्रेत छाए हुए हैं, ठीक है, मेरी भगवान से यही विनती है, आज ही खुल जाए तुम्हारी सारी बुद्धि, तुम्हारा सारा विवेक खुलकर बाहर आ जाए, गौतम भैया की तरह दिखाओ, गौतम को तो दिखाओ यार, आज तो ऊपर बार भागे गौतम अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हो कि नहीं? तो हनुमान जी से ज्यादा सिद्धियां आज के भक्तों के पास है कि नहीं है? है कि? रावण का विमान थोड़ा नीचे से गया, एक दिशा में माता के कहने पड़ते गए, अगर विमान होता 4,000 10,000 फीट की ऊंचाई पे,